नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में बिस्तर पर कराहती यह वृद्ध किसी बीमारी से परेशान नहीं है बल्कि इसकी हालत कर दी है। उसके कलयुगी बेटी और बहू ने सरोज विश्वकर्मा की जमकर पिटाई की। मदन महल के सुदामा नगर में रहने वाली सरोज विश्वकर्मा अपने बेटे गौतम विश्वकर्मा और बहू करुणा के जुल्मों से परेशान हो चुकी है। सरोज की बहू करुणा और बेटा गौतम उसके साथ आए दिन जमकर मारपीट करते हैं। यही नहीं, मारपीट अब इतनी हो चुकी है कि वृद्ध सरोज विश्वकर्मा अब बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही है। मामले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उसकी बहू उसके साथ मारपीट करते हुए साफ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि सरोज ने अपनी यह गुहार किसी से लगे ना हो। जबलपुर एसपी ऑफिस में सरोज ने कई बार अपने ऊपर हो रहे जुल्मों की कहानी बताई लेकिन बहरी हो चुकी पुलिस व्यवस्था ने उसकी अब तक एक भी ना सुनी। अब जुल्म इतना बढ़ चुका है कि सरोज को बर्दाश्त करना बाहर हो चुका है। सरोज का कहना है कि इससे अच्छा है कि ऊपर वाला उसे उठा ले, उसकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। सरोज की यह हालत बताती है समाज की उसे बिगड़ी व्यवस्था को जिसमें एक बेटे और बहू को अपनी माँ को पालना भारी हो जाता है। देखने वाली बात यह है कि अब इस मामले में प्रशासन कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सब करती है तो कहती है कि उसको भी गुंडा लगवा के रास्ते में सब जगह जाती है, उसको गुंडा से उठवा लेंगे। और हमको कहता है कि तुमने थाना कचहरी गई तो तेरे को भी जान से मार दूंगा, उसको भी जान से मार दूंगा। इसका कुछ हमारा कुछ हुआ तो ओकर जवाबदारी करुणा विश्वकर्मा और गौतम विश्वकर्मा दोनों, इसका जवाबदारी दोनों वही रहेगा। पिछले 8 साल से मार मार के मेरे को दिया, चलने का समर्थ नहीं रहा कि चल सकू। हाथ पकड़ के घूम उसका लेटरिन में ले जाती है तो क्या डाइपर पहनाई है तो लेटरिन बाथरूम दोनों हो गई। अभी सब जाएगी तो वही साफ करेगी। अब उसको कहता है कि तू काहे करती है, तेरे को भी गुंडा से उठवा दूंगा। एक जवाबदारी की गौतम विश्वकर्मा और करुणा विश्वकर्मा हम लोग को पूछो दोनों में से पूछो कि किसी के हुआ, एक जवाबदारी पूरा करुणा और गौतम। थाना मदन महल क्षेत्र में आपके माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें एक बुजुर्ग महिला को कोई मारते हुए दिख रहा है। इसकी शिकायत थाना मदन महल में ले ली गई है और इसमें पहले प्रथम दृष्टया इसमें काउंसलिंग कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आलम्बन शाखा में इस तरह के मामलों को सुना जाता है और अगर इसमें आपस में अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो इनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।